तो हे गाइस, व्हाट इज अप, माय नेम इज निलेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैंने अभी रिसेंटली अपनी बाइक के लिए हैजर्ड फ्लैशर मंगाया था, जो कि है सिमटैक का हैजर्ड फ्लैशर वर्जन 6.0। और इस वर्जन 6.0 में बहुत सारी यूटिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में मैंने मंगाए हैं सिमटैक के 360 बल्ब, जो कि LED बल्ब है, और इस पूरे सेटअप को बहुत अच्छे से ये इन्हेंस करने वाला है, क्योंकि LED मेरे में है नहीं, इसलिए मैंने LED 360 बल्ब मंगवाए, जो कि यूनिवर्सल है, किसी भी बाइक में लग सकते हैं। और इनकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही तगड़ी है। नाइट टाइम में मैं इसका दिखाऊंगा कि इसकी ब्राइटनेस कैसी है। और जैसे कि आप लोगों ने बॉक्स के कंटेंट में देखा था कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और इस हैजर्ड फ्लैशर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका जो मॉड्यूल है वो सेपरेट आता है और वायरिंग सेपरेट आती है, तो यानी कि इसको आप यूनिवर्सली भी यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मेरे पास अभी ये वाली मोटरसाइकिल है तो मैंने इसकी वायरिंग मंगाई है ताकि इसको सपोर्ट कर सके। अगर मेरे पास इन केस दूसरी बाइक होती, अगर मैंने दूसरी बाइक ले ली, फॉर एग्ज़ाम्पल यामाहा की FZ25 अगर मैंने ले ली, तो भी मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। केवल मुझे करना क्या होगा कि मुझे ये वाली जो वायरिंग है उसको ऑर्डर करना होगी सिमटैक की वेबसाइट से, दैट्स इट। और हम इसको जस्ट प्लग एंड प्ले करेंगे और इंस्टॉल हो जाएगी सारी चीज़ें। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सेविंग वाला फीचर लगा। और ये जो मॉड्यूल आप देख रहे हो ये वाटर प्रूफ है, इसमें जैसे पानी वगैरह पड़ेगा तो ये ख़राब नहीं होगा, जो कि एक अच्छी बात है। और वायरिंग की जो क्वालिटी इन्होंने दी है वो बहुत ही अच्छी वायरिंग की क्वालिटी है, नो डाउट, बहुत अच्छे से इन्होंने वायरिंग सेटअप की है, और हर एक चीज़ का जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, और स्टिकर्स वगैरह ब्रांडिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से करके दिए। तो चलिए इसको फटाफट से इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग खोलेंगे इसका वाइज़र, और वाइज़र के ऑलरेडी मैंने स्क्रू जो है मैंने खोल रखे थे, बस इसको मुझे निकालना है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये खुल जाता है, और सारी वायरिंग जो है वो यहाँ पर हमें करनी है। और इसके पहले मुझे ये जो वायरिंग का मॉड्यूल है ये इसमें लगा देता हूँ मैं, ताकि सही रहे। तो कुछ इस तरह से ये लग जाता है, बस ये फिक्स हो गया है, और इसको डायरेक्टली हम इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। सो गाइज, इसकी जो वायरिंग है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है, बस ये करना है ये जो कपलर है इसको खोल लेना है कुछ इस तरह से। तो ये कपलर हमारा खुल गया, और एक कपलर और है जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, इसको भी खोल लेना है कुछ इस तरह से। और ये जो वाइट कपलर जो आपको दिख रहे हैं मॉड्यूल में, तो ये वाइट कपलर पर लगा देने हैं, और जो ब्लैक दिख रहे हैं वो ब्लैक पे लगा देने हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा स्विच का कपलर है, तो जब हम यहाँ पर स्विच लगाएंगे तब हम इस पर अटैच कर देंगे। तो पहले मैं वाइट वाले लगा देता हूँ, तो कुछ इस तरह से लगाना है अपने को, ऐसे, दैट्स इट। सो गाइज, मैंने जो स्विच की पोजीशन रखी है उसको लेफ़्ट साइड में रखा है, क्योंकि ये वाला हाथ हमारा फ्री रहता है तो हम इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ से कर रखा है। और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसमें हमें कोई भी वायरिंग कट नहीं करनी पड़ती है, और मैंने जो इसकी वायरिंग है अंदर से बाहर की तरफ निकाल ली है, और जस्ट हमें अब करना क्या है कि इसको स्विच वाले से कनेक्ट कर देना है, और इसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ गाइज। एंड गाइज, सारे इसके जो स्क्रूज़ हैं उसको मैं टाइट कर देता हूँ फाइनली। गाइज, अब मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ अपनी बाइक में सिमटैक के LED 360 बल्ब, और ये 3 साल की वारंटी के साथ आते हैं, और इसका जो नाइट विज़न है वो आपको मैं वीडियो के एंड में दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। सो गाइज, इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था वो मैंने कम्प्लीट कर लिया है, और मैं बताना चाहूँगा अगर आपको इंस्टॉलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सिमटैक की जो टीम है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। सिमटैक की टीम क्या करेगी कि वो आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू सारी गाइडलाइंस करेगी, जिसकी वजह से आप आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और ये इंस्टॉलेशन तो कम्प्लीट हो चुका है और मैंने इसको चेक भी कर लिया है, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को इसके फीचर्स बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट में जितने भी आते हैं ये हैजर्ड फ्लैशर उनमें ये फीचर्स होंगे, और इसमें जो फीचर्स आते हैं वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं। सो गाइज़, इस फ्लैशर के फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है ओवरराइड का फीचर, जिसमें होता क्या है कि जैसे आपके हैजर्ड ऑन है और आप इंडिकेटर देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राइट की तरफ अगर इंडिकेटर देता हूँ तो ये हैजर्ड को कैंसिल करके नॉर्मल इंडिकेटर की तरह काम करने लगता है, जो कि मुझे बहुत ही कमाल का लगा। और अन्य में मैंने देखा है कि आपको पहले हैजर्ड ऑफ करना पड़ेगा, देन आपको इंडिकेटर देना पड़ेगा, तब ये काम करता है, लेकिन इसमें ये चीज़ मुझे बहुत ही बढ़िया लगी है। और इस हैजर्ड सिस्टम के साथ आपको 40 पैटर्न देखने को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप अलग अलग पैटर्न जो आपको पसंद आता है वो आप यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ साथ इसमें आपको एक्टिव मेमोरी का फीचर देखने को मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप अपनी बाइक ऑफ कर देते हो और जिस पैटर्न पर आपने छोड़ा था पिछली बार बाइक, उसी पैटर्न पे ये ऑन हो जाएगी, तो ये एक्टिव मेमोरी के साथ आता है। तो जैसे मैं ऑन करता हूँ तो देखिए सेम वही पैटर्न में जो बाइक है
वो चल रही है। साथ साथ प्लग एंड प्ले एंड कन्वर्टिबल तो आपको पता ही है, जो आपको मैंने अर्लियर बताया था इस वीडियो में। और साथ ही साथ इसमें आपको 3 ईयर्स की वारंटी देखने को मिलती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सिमटेक की व्हाट्सएप टीम है उसको कॉन्टैक्ट करिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो लोग बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व आउट करते हैं। और अगर रिप्लेसमेंट करने लायक होता है तो वो रिप्लेसमेंट करके भी देते हैं, जो कि मुझे एक बहुत ही बढ़िया बात लगी। यानी कि इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत ही अच्छी है और काफ़ी इम्प्रेस करती है, क्योंकि अगर कस्टमर का आप ध्यान नहीं रखोगे तो भैया कौन ही ले गए ये सब चीज़ें। तो इनकी जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ जो इसमें नया स्विच दिया हुआ है उसके फीचर्स आपको मैं समझा देता हूँ, तो स्विच की तरफ चलते हैं गाइज। ये है सिमटेक का अपडेटेड वर्जन वाला जो स्विच है वो ये है। और ये काम कैसे करता है, अगर आपको हैजर्ड ऑन करना है तो जस्ट सिंपली आपको इसको टैप करना है तो ये ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे मीटर पे लाइट जल रही है और इंडिकेटर इस तरह ब्लिंक कर रहे हैं, तो इस तरह ये ऑन हो जाता है। और अगर आपको पैटर्न चेंज करना है तो आप इसी तरह इसको दबाते रहेंगे तो ये पैटर्न चेंज होता रहेगा। और अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हो तो जस्ट आपको करना क्या होगा कि इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ऑफ़ हो जाता है, देखिए इंडिकेटर ऑफ हो चुके हैं, तो इस तरह से ये ऑफ हो जाता है। और ये जो स्विच है ये वाटर प्रूफ है, तो वो भी एक बढ़िया बात है। और जो स्विच की क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को ये हैजर्ड फ्लैशर कैसा लगा। और आप लोगों को भी अगर अपनी बाइक के लिए हैजर्ड फ्लैशर या 360 बल्ब वगैरह लेना हो तो मैंने इनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोगों को कुछ डिस्काउंट भी क्लेम हो सकता है, तो आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोग मंगाना चाहते हैं तो बेशक मंगा सकते हैं, ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। और दूसरी बात ये कि ये जो वीडियो है काफ़ी पसीने में और ये कैप और टी शर्ट के साथ और जीन्स के साथ बन गई है, तो वो रौला नहीं आया। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप सभी लोग जानते हो। इस आप लोग अब ये सिनेमैटिक एंजॉय करो। बूम। गाइस, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को ये सिनेमैटिक कैसा लगा और ये वाला जो वीडियो मैंने बनाया है ये आप लोगों को कैसा लगा। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या चीज़ें इस वीडियो में आपको अच्छी लगी। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ऑलवेज वियर हेलमेट एंड सेफ राइड। एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।